सर अपना ये मटन मैरिनेट हो गया है, दो चार घंटे के लिए अपन ने इसको होल्ड किया था फ्रिज में रख के। अब अपन ने ये पलाश के पत्ते हैं इसके ऊपर ये बड़ी सी रोटी ये रख कर इस पर ये मटन डाल देंगे पूरा मटन। हमारे पास कंटिन्यू ऑर्डर आ रहे हैं आजकल, तो हमने गड्ढा परमानेंट ही बना दिया, आप इसको रोज खोदने की जरूरत नहीं है। इसमें नली, चाप, कमर ये नली का पीस है, कमर ये सर इसको नीचे से और इसको थोड़ा सा गीला कर दिया। तो सर ये इतना गीला करने के बाद हीट प्रॉपर पकड़ लेगा? बिल्कुल सर। अच्छा, आइए अब इसको अपन ने जो गड्ढा तैयार किया था आग जल्दी इसके अंदर। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फैन लगा रखा है जिसकी वजह से कोयल है ना प्रॉपर हीट लें। देखो आप कितना गर्म हो रहा है, देख सकते हैं आप कितनी तेज हीट है इसकी, बहुत तेज। अब सर इसके ऊपर अपन रेती डाल रहे हैं, रेती डालने से क्या होगा इसकी हीट बाहर नहीं आएगी, जो हीट कोयले की हीट है वो बाहर नहीं आएगी। देखिए ये तो मसालेदार आइटम है सर, बिल्कुल चटपटा ये पीस देखिए पूरा गल गया है, ये टूट रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हमें झीलों की नगरी उदयपुर, तो आज हम जिस जगह कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है कुंवर कलेवा। तो आज हम आपको इनकी खड़ मास की फुल मेकिंग करके दिखाएंगे कि किस प्रकार यहाँ पर खड़ मास बनाया जाता है। तो चलो फिर हम मेकिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कंटिन्यू ऑर्डर आ रहे हैं आजकल, तो हमने गड्ढा परमानेंट ही बना दिया, आप इसको रोज खोदने की जरूरत नहीं है। तो सर इसमें कुछ ये हीट वगैरह आप परमानेंट रखते हो या फिर सुबह सुबह आके करना? नहीं, जब अपने ऑर्डर होता है उससे दो घंटे पहले अपन कर लेते हैं इसको खड़बासपन। पहले मटन मैरिनेशन करते हैं दो तीन घंटे, चार घंटे का जो भी मैरिनेशन होता है, फिर सुबह में हम इसको आग जला देते हैं जब इसको डालने से एक डेढ़ घंटे पहले, तो आसपास का एरिया पूरा गर्म हो जाता है। क्या बात है, गड्ढा करके तो बता ही दिया गड्ढा वहाँ पर जो हो रहा था। अब आगे का जो प्रोसेस है, इसके मैरिनेशन का जो प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। उसके आगे का प्रोसेस है ये, इसमें ये एक किलो मटन है, इसमें नली, चाप, कमर ये नली का पीस है, कमर का पीस है, तो इसमें मोस्टली अपन हड्डी वाले पीस ही लेते हैं। इससे क्या मटन जूसी बनता है, ठीक है। अब मैं इसका मैरिनेशन बताऊंगा आपको। कौन सी बताएं? तो इसके अंदर आएगी मिर्ची, ठीक है हल्दी, गरम मसाला और नमक, और ये अपनी कसूरी मेथी होगी। तो बना इस डिश के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या है ये डिश? सर ये डिश जो है काफी पुरानी है, लॉस्ट हो चुकी है, मतलब गुम हो गई है। इसको हमने वापस मैंने कहीं यूट्यूब पे मैंने भी देखा, जैसलमेर के एक बना रहे थे, और बेसिकली ये डिश है जैसलमेर में बनती है और राजा महाराजाओं के टाइम की है। कसूरी मेथी डाल दिया, ठीक है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, नींबू डालो, और थोड़ा खटाई के लिए अपन नींबू डाल देंगे इसमें। क्या बात है, तो खुशबू तो अभी से आने लग गई है इसकी। और ये गरम सरसों का तेल। क्या बात है यार, देखो पुराने जमाने में बहुत सारी चीजें नहीं होती थी, गरम तेल नहीं डालते थे, लेकिन हमने इसको स्वाद के टेस्ट के हिसाब से, आज के टेस्ट के हिसाब से करने की कोशिश की है। जो अपन अब इसको अपन पूरा इसको नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं अरे गरम तेल ये वो, बहुत सारे कमेंट आते हैं जब वीडियो में,
तो मैं उनको बता दूं कि जो आपके पास उपलब्ध चीज़ें हैं और जितना बढ़िया से बढ़िया स्वाद अपन दे सकते हैं पुरानी चीज़ में, वो अपन कोशिश करते हैं। और आपके सामने मैंने इसमें बेसिक मसाले डाले, कोई मैरिनेशन हो गया, अब इसको अपन 4-5 घंटे के लिए होल्ड कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे। अच्छा सर, अपना ये मटन मैरिनेट हो गया है, 2-4 घंटे के लिए अपन ने इसको होल्ड किया था फ्रिज में रख के। अब अपन ने ये पलाश के पत्ते हैं इसके ऊपर, यह बड़ी सी रोटी ये रख कर इस पर ये मटन डाल देंगे, पूरा मटन। अपन इसके ऊपर सेफ्टी के लिए फॉइल पेपर लगाएंगे जो डायरेक्ट कहीं मटन को टच नहीं करेगा। ठीक है, बहुत से लोग वीडियो में बोलेंगे कि फॉइल पेपर लगा रहे हैं, तो फॉइल पेपर आपको कहीं डायरेक्ट टच नहीं है, सेफ्टी के लिए हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, कि इसका जो मसाला है अभी इसमें गरम होगा तो इसकी ग्रेवी बनेगी, हल्की सी ग्रेवी, तेल छोड़ेगा इसमें, जो अपन ने गरम तेल डाला था तेल छूटेगा, वो बाहर नहीं आए अपना मसाला। इसको प्रॉपरली पैक कर दिया है इसमें, और ये बोरी का तप्पड़, बोरी का अपन ने गीला कर रखा है पूरा, ये बोरी का तप्पड़ है। तो गीला क्यों करते हैं सर? सर ये गीला इसलिए करते हैं कि एक तो ये जलेगा नहीं, दूसरा जो गीला होने से इसमें थोड़ी सी स्टीम बनेगी जो इसको मटन को पकाने के काम में आएगी। तो सर इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है टोटल? सर 8-9 घंटे लगेंगे सर। अच्छा, और गीला करते हैं थोड़ा सा पानी लो। ये सर इसको नीचे से और इसको थोड़ा सा गीला कर दिया। तो सर ये इतना गीला करने के बाद हीट प्रॉपर पकड़ लेगा? बिल्कुल सर। अच्छा, आइए अब इसको अपन ने जो गड्ढा तैयार किया था आग जल्दी इसके अंदर, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फैन लगा रखा है जिसकी वजह से ये कोयल है ना प्रॉपर हीट लें, देखो आप कितना गर्म हो रहा है, ये देख सकते हैं आप कितनी तेज हीट है इसकी, बहुत तेज। सर इसके ऊपर अपन रेती डाल रहे हैं, रेती डालने से क्या होगा इसकी हीट बाहर नहीं आएगी, जो हीट कोयले की हीट है वो बाहर नहीं आएगी। ये हो गया, अब नौ अपन वेट करते हैं 9 घंटे। ठीक सर, लगभग 6 बज गई है। हाँ जी, है ना, अपना मटन तैयार हो गया है। क्या बात है भाई, तैयार है अपना खड़बास, अब इसको लार दे। सही है, जो अपने बोरी गीली रखी थी अभी भी गीली है, अलग टाइप का जायका है। होए 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 होए, ये देखो भाइयों साफ। क्या बात है सर, जम्मत कर देख रहे धुआं। ओए सर, वीक में आप कितने दिन खा लेते हो? मैं तो थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेता हूँ इसको, कर लेते हैं फायदे नहीं है। हाँ, क्योंकि किसी गेस्ट के बनाएंगे तो थोड़ा टेस्ट तो करना ही पड़ेगा कैसा बना है। सही, देखिए क्या बात, ये तो मसालेदार आइटम है सर, बिल्कुल ही है चटपटा। ये पीस देखिए पूरा गल गया है, ये टूट रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है।